सो शेक्सपियर मुझे एक बात बताओ, जो ये शूट्स होते हैं क्या कभी भी शूट पे किसी से फोर्स करके एक्टिंग कराई जा सकती है, फोर्स करके एक्सप्रेशंस दिलाए जा सकते हैं? क्या कभी पॉसिबल है कि ऑन सेट किसी लड़की के साथ एक्चुअली फोर्स करके उसे काम कराया जा रहा है? ऐसा हो सकता है कभी? मैंने जितने भी शूट्स किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे घर पे मेरी माँ है, मेरी बड़ी बहन है, तो हमेशा से एक चीज़ मैंने सीखा है, औरत की रिस्पेक्ट करो। तो अगर सेट पे ऐसा कभी होता तो पहला मैं कभी इसमें अलाउ नहीं करता। मैंने जितनी लड़कियों के साथ काम किया है सब खुशी खुशी आए हैं अपना काम के, ऐसा कुछ होता ही नहीं जिससे उनको लगे कि फोर्स हो। बोल सीन करना है, मैंने देखा है कई बार लड़की बोलती है सर नहीं होगा, नहीं होगा, शेक्सपियर के कपड़े उतार, मेरे को नंगा कर दिया, मतलब मेरा बम दिखा दिया, तो ऑडियंस को क्या लगता है कि हाँ हो रहा है, सब फेक है। पर अगर वो लड़की नहीं है, उसको उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, डायलॉग्स नहीं बोल पा रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता। और यूनिट में बहुत लोग होते हैं, मैं एक बात बताऊँ, 3-4 एक्ट्रेसेस होती हैं, हेयर स्टाइलिंग डिपार्टमेंट है, मेकअप है, और स्पॉट बॉयज हैं, तो बहुत रिस्पेक्टफुली बहुत कामली शूट होता है, स्क्रिप्ट होती हैं, और पहले से उनको बताया जाता है कि यू नो अगर ऐसा सीन है कि आप अपना ब्लाउज खोल रही हैं या तो लंबा किसिंग सीन है, तो उनको पता होता है। उनके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कई बार कोऑर्डिनेटर्स आके सेट पे बैठे, मेरे तो कई सेट्स पे हस्बैंड वाइफ खुद बैठे, वाइफ के साथ शूट चल रहा है, हस्बैंड बाहर बैठे, और या तो बॉयफ्रेंड है या तो वो कॉन्स्टेंटली वीडियो कॉल पर है और अपना रील्स बना रही है, तभी तो टिकटॉक विकटॉक भी बनाते थे आई थिंक, तो टिकटॉक बना रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा हंसी खुशी। हाँ छोटा यूनिट है तो खाना पीना कुछ हो सकता है, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी के साथ ज़बरदस्ती, मैंने तो कभी नहीं देखा। और अगर बाय चांस को लगता है कि सर मुझे, एक लड़की ने बोला उसको नहाना नहीं था क्योंकि पानी ठंडा था, पूरा पूरा स्टोरी चेंज। यस, क्योंकि प्रोड्यूसर और बाय चांस उनको कैमरा में भी लगता होगा लोगों को कि उसने उसका ब्रेस्ट पकड़ा है, वो अंदर एक सिलिकॉन होता है। यस, वो अगर बाय चांस दिखा भी नहीं, वो शर्टलेस यहाँ पे उसने अपने ब्रा से कवर किया है। ये मैं बता दूं कि यहाँ कुशन है, तो हम लोग ये हम्पिंग सीन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुशन है छोटा सा, छोटे छोटे कुशन, तो एक बार तो हमने उसको इतना उछाला कि उधर तो ऊपर ऐसे हो गई। तो हम लोग कई बार इतना फेक होता है, बट वही तो एक आर्ट का वो है। yes. जैसे आप अजय देवगन मार रहे हो, थोड़ा ना सबको जाके मार के सबका खून निकल रहा है, हड्डी तोड़ रहा है, वो एक स्टाइल है दिखाने का। उसी तरह ये भी दिखाते हैं कि इनके बीच में संभोग हो रहा है, बट सब नकली होता है। yes. सब एक ड्रामा होता है, बट उसको हम ऐसा क्रिएट करते हैं, ऐसा एंगल्स ऐसा रखते हैं कैमरा का कि लोगों ने कहा अरे वाह यहाँ तो सॉलिड चल रहा है। सो शेक्सपियर, आप अपने दर्शकों को, आपके जो एक्चुअल ट्रू फैंस हैं, जो आपके एक्चुअली ट्रोलर्स हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ ही साथ आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें। जी मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा, यूथ जो भी मुझे फॉलो कर रही है, एनी एज ग्रुप, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं ट्रोलर्स को कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे आदत है बचपन से ही, मैं क्लास में मेरी वैसे भी रैगिंग होती थी, मैं बहुत ही एक इंट्रोवर्टेड था, तो वैसे भी मुझे करते थे लोग चिढ़ाना, उल्टा सीधा बोलना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और आज मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ मैं कर रहा हूँ दिल से, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी फैमिली है, तो थैंक यू एवरीबडी फॉर योर लव, कि आप लोगों ने तो डिमांड किया, तभी जाके मैं आज इतने यहाँ तक आया हूँ। और बहुत कुछ है आगे भी, मैं बहुत कुछ करूँगा और आप लोगों को ऐसे एंटरटेन करूँगा। ट्रोल करो, प्यार करो, जो भी करो बट करो। और मेरी इंस्टा आई डी बहुत सिंपल है, माइटी शेक्सपियर, और दूसरी है कॉकी शेक्सपियर। यस, कॉकी शेक्सपियर, तो फॉलो करो, मज़े रहो, खुश रहो, हिलाओ, और दुख दर्द भूल जाओ, बस लाइफ को जियो, कुछ भी इलीगल मत करो, जो लॉज हैं वही हम फॉलो करते हैं, कुछ इलीगल नहीं होता है, ना ही होना चाहिए। और हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आज मैं ये बोल सकता हूँ कि लड़कियाँ लुक एट गहना, यू नो एक लेडी बैठ के कैसे स्टाइलिश शो को लेके आई हैं, दिस इज़ प्रोग्रेस, और हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हम अगर हर चीज़ को कल्चर कंजर्वेशन में डाल के यू नो सबका वो होगा, फिर क्या होगा? तो जो लीगल है, जो जो होना चाहिए, जिससे लोगों को अच्छा लग रहा है, वो होना चाहिए। और अगर कहीं भी गलत हो रहा है, आप देख रहे हो, आप उसकी शिकायत करो, बट जस्ट डोंट टारगेट एंड हैरिस एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज एंड फिल्म पीपल जस्ट बिकॉज वी आर विजिबल। हमको लोग यहाँ लेकर आते हैं, हमारा मेकअप होता है, कपड़े पहनाते हैं, स्क्रिप्ट पकड़ते हैं, कैमरामैन लाइटिंग लगाता है वहाँ पे, कोई आपको पता है डायलॉग्स भी हम लोग
प्रॉम्प्टिंग से बोल रहे हैं, हमको बनाया जाता है, वी आर जस्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट अस. तो जस्ट डोंट थिंक दिस इज अस. मैं घर पे फटे टावल में बैठा रहता हूँ, आप मुझे देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे, तेल लगा के एक शॉर्ट्स में मैं बैठा हूँ, बट ये कैमरा के सामने मैंने एक अच्छा टी शर्ट जीन्स पहन के, यू नो आई एम टॉकिंग ऑल दिस. सो दिस इज रियलिटी एंड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट रियल. इससे सेक्स के बीच पर रुकना चाहूंगी. मुझे एक बात बताओ, इस पे तुम्हारा क्या से है? अगर कोई लड़की आती है, इफ शी सेज दैट शी इज इंटरेस्टेड इन यू, और किसी भी लड़के से इफ शी सेज कि यार उसको उसके साथ सेक्स करना है, उसके साथ उसको जाना है, जैसे हर लड़के की इच्छा होती है वैसे लड़कियों की होती है, यार इट्स ओपन राइट, जैसे लोग खाना खाते हैं वैसे सेक्स. अगर लड़की तुमसे आके कहती है दैट शी वांट्स टू बी विद यू, तो इस पे तुम्हारा क्या कहना है? एक मूवी आई थी जिसमें जिसम में एक डायलॉग था बिपाशा बासु का, ये जिसम प्यार नहीं जानता, ये जानता है सिर्फ रूप जिसम की. वो मूवी मैं तो बहुत छोटा था, मुझे लगता है ये क्या है, इसका मतलब क्या है. अब मैं समझ रहा हूँ इसका मतलब क्या है. दुनिया समझा रहे दुनिया को, दुनिया चलता है जो मेरे एक्सपीरियंस में है, वो है पैसा एंड सेक्स. बहुत कुछ है, प्यार है, बट अगर किसी कंसेंशुअल सेक्स इज ऑलवेज वेलकम, यूज अ कॉन्डम, डोंट डू इट इन पब्लिक, ये इंडिया के लॉ है, फॉरेन कंट्रीज का नहीं मालूम. और प्यार से करो, खुशी से करो, और करो, क्यों नहीं करोगे, सबको चाहिए भाई, लड़कों को चाहिए, लड़कियों को भी चाहिए, और करो अलग अलग तरीके से करो, करो खुशी से करो, पूछ के करो, परमिशन लेके करो, और घर पे करो. वर्सोवा बीच में अभी करते हैं, वहाँ मत करो, पकड़ लेंगे. मैं दुनिया की सारी पोजीशन आई हैव ट्राइड, यू नो, वुमन ऑन टॉप, डॉगी, काउगर्ल, रिवर्स काउगर्ल, व्हील बैरो, बट मिशनरी में ही मेरा होता है. ये सब मैं करूँगा, बट द एंड पिक्चर का होगा इन मिशनरी, क्योंकि एक तो कनेक्शन होता है, आपको पता चला है वो आपके बारे में सोच रही है, किसी और के बारे में सोच रही है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है. और वो ही जो ग्रेविटी, मैं हमेशा ग्रेविटी की तरफ रहता हूँ, तो आई रियली एंजॉय, वो दिखती है मुझे, वरना आई एम लाइक कौन थी. मैं क्या सोच रहा हूँ, मिरर है तो आई लव डॉगी, मिरर में देख के डॉगी करने का मज़ा आ रहा है, वो एक पावर वाली फील आती है कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ. बट मिशनरी इज मिशनरी, वी आर ऑन अ मिशन टू हैव गुड सेक्स, और वो मिशनरी में ही होता है. ओके, तो शेक्सपियर आप अपने इंस्टा आईडी लोगों को शेयर से शेयर कर दीजिए. माइटी शेक्सपियर लाइक मिशनरी, माइटी शेक्सपियर एंड लाइक कॉक, कॉकी शेक्सपियर, वेरी सिंपल, आप फॉलो कर सकते हैं, आई एम श्योर आप मुझे ढूंढ लेंगे, बट फॉलो मी, लेट्स टॉक. मैं बहुत सारे एक्चुअली आई डू अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस टू, तो इनमें से एक ये सेक्सुअल है कुछ, वो भी पता चल, जो मैंने बताया एक फीमेल ओरिएंटेड है, मैंने बताया था इनको भी, बट आई विल कम आउट, सो फॉलो मी, लेट्स स्टे इन टच एंड लव यू ऑल. एंड गाइस, ये थे शेक्सपियर, इनके साथ बात करके मुझे बहुत मज़ा है, एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत मज़ा आया होगा. अगर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप शेक्सपियर से जानना चाहते हैं, चाहे वो सेक्स से हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, सेक्स ही है, ठीक है, तो रिलेटेड टू सेक्स कुछ भी पूछना हो, आप मुझे इनबॉक्स करिए, मैं शेक्सपियर को फिर से लेकर आऊंगी, एंड हम सेम राउंड करेंगे. लव यू गाइस, बाय.